हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग पैट्रिक कैश बुक. सो टुडे वी विल कवर क्वेश्चन नंबर 16 विच विल इंक्लूड इम्प्रेस सिस्टम. सो हेयर इज़ द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन 16 एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज. सो लेट्स स्टार्ट इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैट्रिक कैश बुक. पैट्रिक कैश बुक का इम्प्रेस सिस्टम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कभी कभी क्वेश्चन में इम्प्रेस सिस्टम के ऊपर शॉर्ट नोट भी आ जाता है और क्वेश्चंस तो इससे रिलेटेड हैं ही हैं. सो पहले हम इसको डिटेल में करते हैं, व्हाट इज़ इम्प्रेस्ड सिस्टम. अब ये क्या है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखो. अ पैटी कैशियर इज़ गिवन ए डेफिनेट अमाउंट एट द बिगनिंग ऑफ ए सर्टेन पीरियड बाय हेड कैशियर. हेड कैशियर क्या करेगा, से फॉर एग्जांपल फर्स्ट डेट है, फर्स्ट अप्रैल है. फर्स्ट अप्रैल को हेड कैशियर पैटी कैशियर को कुछ अमाउंट दे देगा खर्च करने के लिए कि ये अमाउंट है, इसमें से आप पैटी एक्सपेंसेस करते जाओ, जो जो स्मॉल एक्सपेंसेस है इसमें से करते जाओ. कौन देगा, हेड कैशियर देगा. वो अमाउंट किसको देगा, पैटी कैशियर को. जो अमाउंट वो देगा हेड कैशियर पैटी कैशियर को, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड एज इम्प्रेस्ड अमाउंट. द पैटी कैशियर गोज ऑन पेइंग ऑल द पैटी एक्सपेंसेस आउट ऑफ दिस इम्प्रेस्ड अमाउंट. जो अमाउंट उसने दिया हेड कैशियर ने पैटी कैशियर को, उसमें से वो स्मॉल एक्सपेंसेस करता चला गया. आफ्टर अ गिवन पीरियड, से फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ अ मंथ, एक महीने के बाद द पैटी कैशियर सबमिट्स द. पैटी कैशियर क्या करेगा, खर्चा करता चला जाएगा और पैटी कैश बुक में रिकॉर्डिंग करता जाएगा. आफ्टर अ गिवन पीरियड, से फॉर एग्जाम्पल आफ्टर अ वन मंथ, आफ्टर वन मंथ द पैटी कैशियर सबमिट्स द अकाउंट टू द मेन हेड कैशियर. पैटी कैशियर अपना सारा हिसाब किताब बनाकर हेड कैशियर को दे देगा. हेड कैशियर क्या करेगा, उसको एग्जामिन करेगा. हु विल एग्जामिन द पैटी कैश बुक, ही विल चेक द अमाउंट एक्चुअली स्पेंट बाय पैटी कैशियर. हेड कैशियर क्या चेक करेगा कि पैटी कैशियर ने जो अमाउंट मैंने उसको दिया था उसमें से कितना खर्चा करा. ये कौन चेक करेगा, हेड कैशियर चेक करेगा पैटी कैशियर का सारा हिसाब किताब बनाया हुआ कि उसने कितने पैटी एक्सपेंसेस करे हैं जो अमाउंट मैंने उसको दिया था. ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, अब वो महीना ख़त्म हो गया, हेड कैशियर ने सारा हिसाब चेक कर लिया. फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ क्या होगा, द पैटी कैशियर आफ्टर इंक्लूडिंग द बैलेंस. पैटी कैशियर के पास खर्चा करने के बाद जितना बैलेंस बच गया, आफ्टर इंक्लूडिंग द बैलेंस ऑलरेडी लेफ्ट विद हिम, जितना कैश, जितना पैटी कैश बैलेंस बच गया पैटी कैशियर के पास, इज फाउंड अगेन विद द सेम कैश बैलेंस. उसके पास वही सेम कैश बैलेंस हो जाएगा, वही मींस जो विच इज हेल्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मंथ. फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मंथ में जो उसके पास स्टार्टिंग इनिशियल अमाउंट था वही अमाउंट हो जाएगा. कैसे हो जाएगा, मींस हेड कैशियर उतना अमाउंट उसको और दे देगा. आप प्लीज़ ये एक बार इसको एग्जांपल देके समझो. ये देखो, पैटी कैशियर को 10,000 ये हेड कैशियर ने दिए. हेड कैशियर ने पैटी कैशियर को फर्स्ट डेट को, फर्स्ट अप्रैल है बच्चों, फर्स्ट अप्रैल को 10,000 पैटी कैशियर को दिए. पैटी कैशियर इसमें से पूरे महीने में स्मॉल एक्सपेंसेस करता चला गया और पूरे महीने में उसने 8,000 खर्चा करा स्मॉल एक्सपेंसेस के नाम का. ही स्पेंट रुपीज़ 8,000 एज पैटी एक्सपेंसेस. और उसने कितना बैलेंस बच गया पैटी कैशियर के पास, 2,000 उसके पास बैलेंस बच गया. हेड कैशियर ने सारी पैटी कैश बुक एग्जामिन करी और उसको उसने क्या देखा कि पैटी कैशियर के पास 2,000 अभी भी बैलेंस बचा पड़ा है स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए. अब वो क्या करेगा, अब फर्स्ट डे आ गया, अब क्या आ गया, फर्स्ट मई आ गया. से फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, आप ये देखो फर्स्ट अप्रैल को हेड कैशियर ने कितने दिए, 10,000. स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे, 10,000. फर्स्ट मई को ये 2,000 वो आगे ब्रॉड डाउन करेगा पैटी कैशियर. अब उसको हेड कैशियर कितने देगा, 8,000 और दे देगा. 2,000 उसके पास ऑलरेडी बचा हुआ है. हेड कैशियर अगेन विल गिव रुपीज़ 8,000 इन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ यानी कि फर्स्ट मई को हेड कैशियर क्या दे देगा,
8,000 और दे देगा, मतलब 2,000 तो बचे ही पड़े हैं उसके पास, 8,000 और दे देगा, यानी कि 1 मई को उसके पास फिर बैलेंस 10,000 हो जाएगा, जो 1 अप्रैल को भी 10,000 था, 1 मई को भी 10,000 हो गया, मीन्स हेड कैशियर ने 8,000 उसको और दिए। ये बच्चों सारा है इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब 10,000 हो गए, मान लो पूरे मई के महीने में 7,000 खर्चा करा उसने, 10,000 एक मई को बैलेंस था उसके पास, 7,000 खर्चा हुआ, तो कितना बैलेंस बच गया अभी भी, 3,000। अब उसको मई के बाद क्या आता है, जून, 1 जून को हेड कैशियर कितने देगा, 7,000 दे देगा, 3,000 बचे पड़े हैं, 7,000 और दे देगा। ये है इम्प्रेस्ड सिस्टम। जो लास्ट मंथ कैश बैलेंस था वही अगले महीने पैटी कैशियर के पास उतना बैलेंस होगा, और उतना बैलेंस कौन देगा उसको, हेड कैशियर देगा। तो ये है बच्चों इम्प्रेस्ड सिस्टम। इसका हम एक और क्वेश्चन करते हैं, और हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए पैटी कैश बुक विद सूटेबल कॉलम्स। द बुक इज केप्ट ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम। द अमाउंट ऑफ इम्प्रेस्ड बीइंग रुपीज 4,000। ये क्या है बच्चों, द अमाउंट ऑफ इम्प्रेस्ड, इट मीन्स जो टोटल एक खर्चा होगा वो 4,000 में से करना है। टोटल खर्चा कितने में से करना है, 4,000 में से खर्चा करना है, जो पैटी एक्सपेंसेस करने हैं। अब आप देखो, 1 अप्रैल पैटी कैश इन हैंड, 1 अप्रैल को पैटी कैश का जो बैलेंस है वो 540 है, और इम्प्रेस्ड का अमाउंट कितना है, 4,000 कैश, यानी कि 31 मार्च का जो कैश बैलेंस हमने 1 अप्रैल को कैरी फॉरवर्ड करा है वो है हमारा 540 रुपये। इट मीन्स कैश पड़ा है 540, इम्प्रेस्ड का जो अमाउंट है वो है 4,000। इट मीन्स हेड कैशियर जो है वो हमें पेमेंट करेगा 3460 की, 4,000 में से बच्चों 540 के, क्योंकि हमने जो टोटल पेमेंट्स करनी है वो 4,000 में से करनी है, ये ध्यान रखना। और एट प्रेजेंट पैटी कैश कितना पड़ा है, 540, यानी कि हेड कैशियर पैटी कैशियर को 3460 रुपये देगा। इसको चेक करो, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये मार्च का बैलेंस 1 अप्रैल को आगे जा रहा है 540 रुपये। अब टोटल एक्सपेंस कितने में से करना है, 4,000 में से, इम्प्रेस्ड का अमाउंट कितना था, 4,000, तो हेड कैशियर पैटी कैशियर को बच्चों दे देगा 3460 रुपये। अब यहाँ देखो, टोटल 4,000 हो गया, ये इम्प्रेस्ड का अमाउंट है। इस 4,000 में से सारी कैश पेमेंट्स, पैटी कैश पेमेंट्स होंगी। अब करते चलो, 4,000 का बैलेंस 540 पहले पड़ा था, 3460 हेड कैशियर ने दे दिया, अब पैटी कैशियर खर्चा करता जाएगा। लो बच्चों, रिसीव्ड कैश टू मेक अप द, हमें कैश मिल गया 3460। 1 अप्रैल को पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, 100 रुपये दे के हमने ऑफिस की सफाई कराई, बाय ऑफिस क्लीनिंग 100 रुपये। अब ये जो 100 रुपये हैं कहीं से भी मैच नहीं करते, इसलिए मिसलिनियस में चले जाएंगे, 100 रुपीज़ यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। नेक्स्ट लो, 4 तारीख को पेड फॉर रेलवे फेयर, रेलवे का किराया दिया 320, बस फेयर 280, वेजेस 150। 3 ट्रांजेक्शन हुई है 4 अप्रैल को, तो रेलवे फेयर 320, ये 4 तारीख की ट्रांजेक्शन है बच्चों, रेलवे फेयर 320 ये कन्वेंस में आ जाएगा, बस फेयर 280 कन्वेंस में आ जाएगा, 4 तारीख को ही एक और ट्रांजेक्शन थी बाय वेजेस 150, तो वेजेस वेजेस कॉलम में चले जाएंगे 150। नेक्स्ट है, बॉट शॉर्ट हैंड नोटबुक्स, शॉर्ट हैंड के लिए नोटबुक्स खरीदी, ये स्टेशनरी में जाएगा 370 रुपये, बाय नोटबुक्स 370, ये नोटबुक्स किसका पार्ट है, स्टेशनरी का पार्ट है, तो स्टेशनरी कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, पेड कैरेज ऑन पार्सल्स रुपीज, पेड कैरेज ऑन पार्सल्स रुपीज 150 एंड पेड फॉर वेजेस 220, ये 7 तारीख की है, तो कैरेज ऑन पार्सल्स देखो, टू कैरेज बाय कैरेज ऑन पार्सल्स 150, तो कैरेज मींस किराया दे रहे हो, तो
तो ये किसका पार्ट है? यहाँ तो जाएगा ही जाएगा, और कहाँ जाएगा? कार्टेज में चला जाएगा। 150 किराया दिया हमने, 150 रुपीज़। एक और कौन सी थी? पेड फॉर वेजेस 220, 7 तारीख की थी। बाय वेजेस 220, तो ये वेजेस के कॉलम में चले जाएंगे 220। नेक्स्ट लो, बॉट स्टैम्प्स फॉर रुपीज़ 300। स्टैम्प्स कहाँ से खरीदते हैं हम? पोस्ट ऑफिस से, तो ये पोस्टेज का एक्सपेंस है। 300 बाय स्टैम्प्स 300, ये पोस्टेज के कॉलम में चले जाएंगे 300, बाकी में डैश। एक और भी थी 10 तारीख की, एनवेलप्स फॉर रुपीज़ 450। एनवेलप्स खरीदे हैं 450। एनवेलप्स किसका पार्ट है? स्टेशनरी का, स्टेशनरी में चले जाएंगे। एक और है, अकाउंट रजिस्टर खरीदा है अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए 400 रुपये का। बाय अकाउंट रजिस्टर 400, ये भी स्टेशनरी का पार्ट है। पेड फॉर रिपेयर 12 तारीख की, रिपेयर पे खर्चा करा 200 रुपये। गेव टिप्स टू ऑफिस प्यून, तो रिपेयर 200 रुपये। अब रिपेयर ना पोस्टेज, वेजेस, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी किसी का पार्ट नहीं है, सो रिपेयर किस में आ जाएगा? मिसलिनियस में। हमने टिप दी ऑफिस प्यून को 150 रुपये, ये भी कहाँ चली जाएगी? मिसलिनियस एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट चलो, गेव चैरिटी 100 रुपये, 100 रुपये की चैरिटी, ये भी कहीं बिलोंग नहीं करती, मिसलिनियस में जाएगी। सर्व्ड टी टू कस्टमर, कस्टमर को हमने टी सर्व करी है 250, ये रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस हैं, ये भी मिसलिनियस में जाएंगे। चैरिटी 100, टी टू कस्टमर 250, ये 100 और 250, ये दोनों एक्सपेंस मिसलिनियस में चले जाएंगे। एंड लास्ट है पेड फॉर वेजेस 160, 160 वेजेस का अलग कॉलम है, वेजेस कॉलम में चले जाएंगे। रिवार्ड्स टू सर्वेंट, सर्वेंट को हमने इनाम दिया 100 रुपये का, मिसलिनियस में चला जाएगा। सो अब बच्चों, एज यूजुअल रिसीव, तो हमारे को पता ही है कि 4000 रुपये हैं टोटल, टोटल है यहाँ पे 4000। अब देख लो ये पेटी कैश पेमेंट्स कितनी है हमारी, 3700। स्टिल हमारे पास पेटी कैश बैलेंस कितना पड़ा है? 300, क्योंकि इधर 4000, इधर 3700, तो ये है लेसर साइड, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 300। ये 15 अप्रैल को, ये 300 रुपये कहाँ यूज़ होंगे? मई में, 1 मई को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 300। अब इम्प्रेस्ड याद करो, इम्प्रेस्ड सिस्टम अभी करें, हमारे पास 300 बचे पड़े हैं और क्वेश्चन में क्या लिखा है? इम्प्रेस्ड का अमाउंट कितना है? 4000। 300 हमारे पास बचा पड़ा है लास्ट मंथ का पेटी कैश बैलेंस, इसका मतलब हेड कैशियर हमें और कितने देगा? 3700, क्योंकि 4000 बनाना है बच्चों। 300 ये देखो लास्ट मंथ का बचा पड़ा है, ये 300 जगह नहीं थी, ये 300, इट मीन्स 3700 हमें हेड कैशियर और देगा नेक्स्ट मंथ के लिए। इट मीन्स 4000 हो गया नेक्स्ट मंथ, अब इन 4000 में से खर्चा होगा। सो ये है आपका इम्प्रेस्ड सिस्टम। 300 ये आ गया, 3700 हेड कैशियर से, जो लास्ट मंथ हमारे पास बैलेंस था कितना था? 4000, वही अगले मंथ के स्टार्टिंग में हमारे पास होना चाहिए। यदि फर्स्ट मंथ 4000 है तो अगले मंथ की बिगनिंग में भी 300 प्लस 3700 हमारे पास 4000 का बैलेंस हो जाएगा। तो ये है आपका पेटी कैश बुक विद इम्प्रेस्ड सिस्टम। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, इसलिए इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो। टिल देन।